लाइव सेशन में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम भी मौजूद है। टाइटल है और इसी मुद्दे के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि अब जो संतुलन है वो नजर नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप्स है वो नजर नहीं आ रही है, जो टेलेंडर्स के साथ जो हमारी प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ती जा रही है, नंबर चार की पोजीशन है वो सामने आती जा रही है और ज्यादा उभर के आ गई है सामने। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स वो दोबारा एक बार हमें देखने को मिला, टॉप ऑर्डर ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद पार्टनरशिप्स हमने बिल्ड करने दी, उसके बाद जो हमारे पिचेस पे हम सोचते थे कि हमारे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे उनके स्पिनर्स ने हमें आके डोमिनेट करा। तो जो आपको मैंने समझाया, जो दिव्यांशु ने कहा, उस चीज का लबोलबाब यही निकलता है कि पूरी टीम बदल डालो भैया, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो ऐसे तो नहीं चलेगा जिस तरह से आज खेला है या इस पूरी सीरीज में खेला है, समझ नहीं आया। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, सूर्य कुमार यादव, इनको हुआ क्या है? सूर्य कुमार यादव कहें या शून्य कुमार यादव कहें, नहीं समझ आ रहा। तीन मैच लगातार, तीन गोल्डन डक, ठीक है लगातार तीन बार डक होने का तो रिकॉर्ड उन्होंने, चलो उनके नाम नहीं है, सचिन के नाम है इंडिया की तरफ से, बट यार तीन गोल्डन डक शायद पहली बार मेरे ख्याल से क्रिकेट इतिहास में, एक बार चेक करना पड़ेगा स्टैट। तो सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हुआ समझ नहीं आया, पूरी सीरीज में आए गए वो बात अलग है। भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से, ओपनिंग अच्छी हुई, रोहित शर्मा जमे, शुभमन गिल जमे, फिर उसके बाद विकेट थ्रो करके गया हर कोई बल्लेबाज, ऐसा कोई बॉल नहीं आई कि जिसने विकेट बॉलर ने लिया है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और थोड़ी सी ना दिव्यांशु पहले प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं, हमने क्या कुछ प्रेडिक्ट किया था और क्या कुछ सच हुआ है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो स्कोर जाने वाला है वो 260-270 वही गया। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जो परेशान करने वाले, हमने मिचेल स्टार्क की बात थोड़ी सी कम की, हमने बात ज्यादा की एडम जैम्पा की कि मिचेल स्टार्क को थोड़ा साइडलाइन कीजिए, इस विकेट पे अगर आपको बचना है तो आप एडम जैम्पा नाम के इस भूत से बचिए। एडम जैम्पा का प्रदर्शन क्या खूब हुआ वो आपको डिटेल में बताएंगे दिव्यांशु थोड़ी देर में। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि कहीं दोबारा से जो बैटिंग कोलैप्स है वो देखने को मिला मिले ना मिले, वो हुआ। साथ के साथ सबसे बड़ा जो सवाल था वो था सूर्य कुमार यादव का, जो इस मैच में भी जो, और दिव्यांशु शायद आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि आज जो आउट हुआ ना वो कहीं ना कहीं पहले दो मैच का ही नतीजा है। बिल्कुल पहले दो मैच का ही नतीजा है और उसी के चलते सूर्या जो है आज फिर प्रेशर में आए। अब लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था तो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लेफ्ट आर्म पेसर नहीं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट ये जोड़ी जो है कंटिन्यू रही, मतलब ये लव अफेयर रहा लेफ्ट आर्म के साथ इनका जो कनेक्शन है। पिछले दो मैच में LBW, इस बार तो डंडा उचका दिया, समझ ही नहीं आया। 91 की स्पीड से शायद बॉल डाली थी अष्टनायक, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी वेरिएशन जो थी ना उस पे कामयाब काफी ज्यादा काम कर रहे थे कि देखिए मैं स्पीड वेरिएट करूंगा, और कहीं ना कहीं जो हम उम्मीद कर रहे थे कि अक्षर पटेल से जो काम अष्टनायकर ने करा, हम उम्मीद करते कि अक्षर पटेल हमारे लिए वो काम करेंगे और बखूबी तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेरिएशंस में ज्यादा बेहतर लगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, और साथ के साथ जो कुलदीप यादव ने बात बोली थी ना पहली इनिंग्स के एंड में कि गेंद धीमा होगा, बल्ले पे नहीं आएगा, वी हैव टू बैट केयरफुल, वो बात मुझे लग रहा है किसी भारतीय बल्लेबाज ने ध्यान नहीं दिया। और देखिये नतीजा ये हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया जो बॉर्डेगा उसका सीरीज टेस्ट में हमें मतलब हार गया था और लग रहा था कि शायद उतना डोमिनेट नहीं करेगा, बट वनडे में जैसा कि होता आया है, घर पर आकर हमारे घर पर हमारे ही जमीन पर हमारी ग्राउंड पर हमें मात देकर और आराम से चला जाता है। और देखिए IPL अब एंजॉय करेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्लेयर्स वही निराश सा चेहरा, आपने रोहित शर्मा को देखा होगा, एक ही जगह पे बैठे हुए थे, बिल्कुल चिपक गए थे, सेम एक्सप्रेशन सेम सिटिंग पोजीशन, मतलब क्या हुआ उन्हें भी समझ नहीं आया कि अब मैं उन्हें यही, वो यही सोच रहे होंगे कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है मुझे, क्या बोलना है मुझे। टॉस जीत के तो मैं बॉलिंग करना चाहता था, वही हुआ, स्कोर 300 प्लस गया नहीं, जो लग रहा था एक समय पे गया नहीं, लगा था कि हाँ अंडर 300 है, इंडिया आराम से चेस कर लेगा। ओपनिंग 50 प्लस पार्टनरशिप हुई, रोहित शर्मा 16 या 17 गेंद में 30 बना के गए, तो वो लग रहा था कि वो शायद एक अलग बैटिंग ट्रैक पर बैटिंग कर रहे हैं और बाकी बल्लेबाजों ने कुछ अलग बैटिंग की। विराट सेट थे, वो अपना शॉट फेंक कर गए, फॉल शॉट, बिल्कुल बिल्कुल फॉल शॉट, वो एशिया कप की कॉपी थी, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉपी थी एशिया कप की, आपको याद होगा जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ चिप शॉट करने जाते हैं, पता नहीं शॉट तो क्यों नहीं खेलते, अगर इनसाइड आउट खेल रहे तो आगे बढ़कर खेले, अगर उसमें रिस्क ये रहेगा या तो छक्का जाएगा या फिर आउट होगा, बट ये शॉट तो सिंगल के लिए, शायद कंफ्यूजन में थे कि शायद मैं सिंगल चिप कर रहा हूँ, सामने डिविड वार्नर,
यार ऑस्ट्रेलिया की 11 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है बिल्कुल। आते जा रहे हैं भाई, भाई क्या हुआ टीम इंडिया को, बकवास टीम, कुछ नहीं होगा, 3 बॉल 3 आउट, शर्म करो रोहित शर्मा, क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना जरूरी था यार, कब सूर्या को मौका, संजू पाटीदार को मौका दो। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, गुस्सा फूट रहा है, और गुस्सा फूटना लाजमी भी है क्योंकि ये गुस्सा ना इस सीरीज का नहीं फूट रहा है दिव्यांशु, ये गुस्सा जो फूट रहा है ये पास्ट रिकॉर्ड की वजह से फूट रहा है कि हम जो लगातार कोलैप्स हो रहे हैं, एक ही पैटर्न से हम हारे जा रहे हैं, बार बार कोलैप्स हो रहा है, टेलेंडर्स कमियों पे काम नहीं हो रहा है ना भाई, बिल्कुल एकदम से कि आप एक सरप्राइजिंग हार नहीं हो रही कि दोबारा से टेलेंडर्स के हमारे सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई मेन बल्लेबाज हो, दोबारा से बैटिंग कोलैप्स हो गया, और माफ कीजिएगा संजू सैमसन का नेगलेंस कितना भारी पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, वो दिख रहा है क्योंकि आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं है, आपने सूर्य कुमार को 3 मौके दे दिए, तीनों में ही फेल हो गए, अब क्या आप अभी भी आप संजू सैमसन को बोलेंगे नहीं आप साइड रहो, हम अभी भी जो है आप एक नया बल्लेबाज ढूंढेंगे, हम ईशान किशन को खिला लेंगे, हम सबको खिलाएंगे, लेकिन संजू सैमसन पता नहीं कौन सा, हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये क्रिकेटर है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि कब तक बीसीसीआई और मैनेजमेंट एक जो आइडल नंबर 4 का हमारे पास बल्लेबाज है उसको हम निग्लेक्ट करके एक फोर्स बल्लेबाज को हम नंबर 4 का बनाते रहेंगे कि ईशान किशन जो ओपनिंग करता है कि तू नंबर 4 आ जाओ, श्रेयस अय्यर जो बाहर है अभी इंजर्ड है आप उनको लेकर आएंगे जैसे फिट होंगे तो ठीक है, अब सूर्य जो लगातार फ्लॉप होता है उनको नहीं आप खेल चार, लेकिन चार का आपके पास अच्छा बल्लेबाज बैठा है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, आपने केएल राहुल को प्रमोट कर दिया, और आज के मैच में तो समझ नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव चाहते क्या थे, क्योंकि क्या बैटिंग ऑर्डर के साथ आपने ट्राई किया सूर्य कुमार यादव, पहले आपने अक्षर पटेल को उनसे ऊपर भेज दिया, वहीं पे ही डाउनफॉल थोड़ा सा हुआ होगा कहीं ना कहीं उनके मनोबल का, उसके साथ साथ आपने उससे पहले हार्दिक पांड्या को भेज दिया ऑलराउंडर को, तो आपने अपने मेन बल्लेबाज को छुपा के रखा, वो क्यों छुपा के रखा, एक रेंट है, पहले आपने अक्षर पटेल को भेजा, चलिए ठीक है समझ आता है एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड की आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत थी, इसलिए आपने उनको भेज दिया, फिर जब वहां पर अक्षर पटेल आउट हुए तो मुझे लगा जडेजा भेजेंगे क्योंकि आप सेम आपको मेंटेलिटी के साथ रखना है तो एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, आपने फिर जडेजा की जगह आपने सूर्य कुमार यादव को भेज दिया, तो आपने अपने जो पहली सोच थी आपने उसी को बैक नहीं किया, आपने उसी को ही निग्लेक्ट करके सूर्य कुमार यादव को पहले ही भेज दिया, आपको यही करना था पहले भेज सूर्य कुमार यादव को, मुझे लगता है कि अगर वो पहले सूर्य कुमार यादव आते तो अब तीसरे मुकाबले में वो डक पे आउट नहीं होते जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें आपने डिमोट करके ये बता दिया कि भाई हमको आप पर कॉन्फिडेंस है नहीं, हम बस जबरदस्ती जो है आपको खिला रहे हैं, और जैसा वहां पे कमेंटेटर ने भी कहा था कि ये चीज सूर्या को और ज्यादा जो है डीमोटिवेट करेगा, और ये आपको बैक करना नहीं हुआ, गौतम गंभीर ने कहा था ना कि भाई ये चीज जो आप बैक करने की बोल रहे हो ना कि प्लेइंग 11 में मौका, बट जो पोजीशन उनकी थी वहां खिलाया नहीं, तो बैक करना इसे नहीं कहते, और जिसके चलते यही हुआ कि भाई एक बार फिर से वो गोल्डन डक पर आउट हुए। ठाकुर साहब बोले भाई कोई बात नहीं, अच्छी लगी रहती, अच्छी जीत हार लगी रहती, ऐसा तो नहीं कि सारे मैच इंडिया जीते, तो भाई फिर ऑस्ट्रेलिया हमें हरा कर क्यों जा रहा है ओडीआई सीरीज में, या फिर बार बार सेम मिस्टेक हो क्यों रही है, बैटिंग कोलैप्स हो क्यों रहे हैं, टेलेंडर्स क्यों आड़े आ रहा है, ये चौथे नंबर की पोजीशन का हल क्या है, कभी ऋषभ पंत को इस्तेमाल करते हैं, कभी एम एस धोनी को, कभी केदार जाधव, कभी विजय शंकर, कभी दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार, मतलब आपने पूरी मतलब, एक तरीके से मैं एक बार अगर आप शॉर्ट करो तो आपने एक बार प्लेइंग 11 ही बता दी है, ये चौथे नंबर की बल्लेबाज है, सिर्फ चौथे नंबर की प्लेइंग 11 है जो दिव्यांशु ने लिस्ट जारी किया है यहाँ पर, चाहे वो एम एस धोनी से शुरू होती है और अब आके सूर्य कुमार यादव पे खत्म हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है, अभी तो क्वेश्चन मार्क और कॉमा लगते गए हैं, अभी तो हम वॉशिंगटन का नाम जोड़ रहे थे कल, हाँ बिल्कुल, अगर नंबर 4 पे अगर आपको ट्राई करना तो उसे भी कर लो फिर, बिल्कुल बचा क्या, या फिर आपने आपने राहुल को आज नंबर 4 उतार दिया, आप कभी हार्दिक पांड्या को उतार देते हो, तो आपका वो फिक्स्ड पोजीशन क्यों नहीं है, जैसे कि विराट की नंबर 3 है कि विराट खेलेंगे नंबर 3 खेलेंगे, वैसे चौथे पर एक ऐसा बल्लेबाज बनाओ कि भाई हमको तुझ पे भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं खड़ा हूं। देखिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है और वनडे वर्ल्ड कप आपके बिल्कुल सर पे है, और जो वनडे वर्ल्ड कप है वो भारतीय सरजमीं पे होने वाला है, अगर आप वहां पर भी इन्हीं गलतियों के साथ आएंगे तो मुझे डर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं एक सीरियस नोट पे कह रहा हूं, मैं अब जो थोड़ा सा आपको याद हो तो जब 96 में शायद वो साल था जब इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ था, जहां पर डिसअपॉइंट थे, जहां पर मुझे काफी ज्यादा क्रिकेट में जिस तरह की भड़ास, क्योंकि आप 10 साल हो गए कोई भी ट्रॉफी जीते हुए आप नहीं जीत पा रहे हो, आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हो, रन बनाते हो, विकेट लेते हो, बट यहाँ जब इंटरनेशनल होता है तो पता नहीं क्या होता, सांप सूंघता है, और घर में है
और एक 2007 वाला शायद ओडीआई वर्ल्ड कप था जब हम अर्ली एग्जिट हुआ था हमारा, और उसके बाद